नमस्कार दोस्तों, आप कैसे, आपका पेपर कैसा लगा है? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ किशन लाल, आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि कोई भी डिफेंस जॉब की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। चलो दोस्तों, आज मैं आर्मी रिलेशन भर्ती पेपर 2019 जो नागपुर गार्ड रेजिमेंट सेंटर का पेपर है वो करवाने वाला हूँ। जो आर्मी कलर्क पेपर है 24 नवंबर 2019 को जो पेपर लगा था, यानी कल ही की डेट में जो पेपर लगा था, वो हमें प्रोवाइड किया है राकेश कुमार जी यादव ने, हमें प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू राकेश कुमार जी यादव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करके हमें पेपर प्रोवाइड किया है। और भी दोस्तों, यदि आप कोई भी सेंटर का पेपर हमें प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आपके व्हाट्सअप नंबर हमारे दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप कॉल या मैसेज के जरिए आप हमें पेपर प्रोवाइड कर सकते हो। तो राकेश कुमार यादव को बार बार धन्यवाद, जिन्होंने हमें कड़ी मेहनत से ये पेपर प्रोवाइड किया। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो बिना देरी किए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आया था, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 1949, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था, आगरा नदी किस, आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यानी आपको पूछा गया था कि आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो आपको बताइए कि कौन सी नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नॉर्मल से क्वेश्चन, पीछे के आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे इस यूट्यूब चैनल पे पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो वीडियो पीछे के आप देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई आर्मी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, तो वहाँ आप विजिट करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैंने पीछे भी करवा दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यानी भारत में पहला रेडियो वो प्रसारण है वो कहाँ से शुरू हुआ था, ये इसका जवाब होगा मुंबई। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मुंबई से हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन नॉर्मल सा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आप सबको पता ही है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आप भी ट्राई मारते रहिए कि आप क्वेश्चन कितने राइट कर रहे हैं, और जिन दोस्तों ने पेपर दिया वो कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये तीरंदाज से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके, खिलाड़ी मिल्खा सिंह का संबंध किस से है? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह जिन्हें उड़ता सिंह खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इनका संबंध है वो दौड़ से है। किस से है? ये मतलब दौड़ बहुत ही अच्छी रेस करती है, ये धावक है एक नंबर के, तो इनको उड़ता सिख के नाम से भी जाना जाता है, जो एक सिख है और मिल्खा सिंह उनका नाम है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी मानव हृदय में चार होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ये तो देखो चूरू भर्ती में भी आया था, जो राजस्थान में एक पेपर लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। देखो रिपीट होती है आर्मी के पेपर में क्वेश्चन, तो पीछे की जो भी वीडियो मैंने पेपर के प्रोवाइड किए वो जरूर देखिए, यदि आप भविष्य में पेपर देने वाले आर्मी भर्ती का। तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, या न तो ऐसा लिखा अंत है या बाह्य, तो आपको सीधा क्वेश्चन आया तो यकृत करना है, यकृत यानी बाह्य और अंत है दोनों में ही बड़ी है सबसे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, चीन की संसद को आपको पता है क्या कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ये चीन की मतलब संसद को कहते हैं, जैसे भारतीय संसद को संसद ही कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? भारत में पहला टेस्ट मैच था वो 1932 में खेला गया था, 1932 में, जो आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने पहला अपना टेस्ट मैच खेला था, जो 1932 में खेला था। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए, भविष्य में यानी और भी मैं पेपर प्रोवाइड करता रहूँगा, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं यहाँ केवल आर्मी की नहीं, नेवी, एयरफोर्स, NDA सब के पेपर यहाँ लेकर आता हूँ, आप पीछे का रिकॉर्ड भी देख सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो कर दीजिए लाइक,
और इसी तरह की एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप पेपर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।